हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो, जहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढेर सारे इजी हैक्स जो आपके डेली के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने घर में रोजमर्रा में यूज करेंगे, तो आप अपने ढेरों पैसे भी बचाएंगे और नकली सामान से कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप से देखिए, अक्सर हम लोग घर में जो राशन लेके आते हैं उसमें जाने अनजाने हम लोग कई बार खराब राशन, घटिया क्वालिटी का चावल, दाल या नकली सामान जो कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रहा है, जिसको क्या पहचान भी नहीं सकते हैं कि ये चावल नकली है कि असली है, क्योंकि दिखने में तो दोनों सेम लगते हैं। और हम गलती से क्या करते हैं, कई बार सस्ता सामान लेने के चक्कर में गली में जो राशन लेके आते हैं उनसे भी हम खरीद लेते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट आजकल मिलती है। अब उस मिलावट को पहचानने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, हर महीने के राशन जब भी मैं लेके आती हूँ मैं इस टिप को जरूर आजमाती हूँ। आप भी एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इससे। आपने लेना है 1 गिलास में पानी और उसमें आप डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच इस चावल को। पीने वाला पानी ही लीजिएगा क्योंकि हम ये चावल को बाद में यूज कर सकते हैं, फेंकना नहीं है, कोई चीज फेंकनी नहीं चाहिए। देखिए, एक एक तिनका बचाने से ही बचत होती है और मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग बहुत ज्यादा बचत की तरफ ध्यान देते हैं, तो साफ सुथरा पानी लीजिएगा। इस पानी में आप डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच चावल, जो भी आप राशन लेके आते हैं ना वही चावल आपको यहाँ पर डालना है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो चावल आपका ऊपर की तरफ आ गया है, यानी कि वो खराब क्वालिटी का है या फिर नकली है, और नीचे जो चावल बैठ गया है वो आपका प्योर चावल है, यानी कि आपके रोज का खाने वाला जो चावल है वो सही है। लेकिन अगर इसमें ऊपर थोड़े से भी चावल ऊपर हल्के ऊपर तैर रहे हैं, मतलब कि वो नकली हैं या फिर घटिया क्वालिटी के हैं, तो जब भी आप चावल खरीदें सोच समझ के लीजिए, ब्रांड का लीजिए, कंपनी का बोल के लीजिए कि ठीक राशन देंगे तभी हम आपसे आइंदा से लेंगे। तो ये एक टिप आप आजमा सकते हैं अपने नकली चावल को पहचानने के लिए। इसके साथ ही एक दूसरी टिप भी बता देती हूँ कैसे आप और चावल को पहचान सकते हैं। तो अक्सर लोग गैस के ऊपर बोलते हैं चावल को जला के देखना चाहिए, लेकिन तरीका नहीं जानते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। सीधा गैस का जो बर्नर है उसके ऊपर आप कुछ दाने चावल के रखिए और फिर बर्नर को आपने ऑन कर देना है। ठीक है, ये मैंने रख दिए हैं करीब 10 से 12 दाने और डायरेक्ट मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूं आपके सामने ही। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर चावल ये प्लास्टिक का होगा तो ये चिपक जाएगा बर्नर के साथ में, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो रबड़ की तरह होता है, चिपक जाता है। लेकिन अगर ये चावल हमारा सही होगा तो ये सिर्फ जलेगा और उसके बाद में आप इसको हटाएंगे तो आसानी के साथ में वो हट भी जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा चावल चिपका है कि नहीं चिपका है, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ अगर नकली कुछ भी रहता है ना वो चिपकता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने देखा आराम से वो चावल सिर्फ और सिर्फ जल गया है, चिपका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं, अक्सर हम लोग रेशमी कपड़े साड़ियां पहनना पसंद करते हैं, लेकिन प्रेस करते वक्त हमारी प्रेस जो होती है वो जली होती है अक्सर, और वही हमारे कपड़े को और ज्यादा जला देती है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे रेशमी कपड़ों को हम आसानी से घर पर धोबी जैसा प्रेस करके देता है वैसा ही प्रेस हम घर पर कर पाए। तो बहुत ही इजी टिप मैं आपको बता रही हूं और बहुत ही पैसा बचाने वाली टिप है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आप कपड़ा प्रेस करते हैं, एक तो आप उसकी लो करके रखिया करिए, जब भी आप उसको प्रेस करने के लिए स्टार्ट किए हैं प्रेस कभी भी हमेशा लो फ्लेम से स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आपकी प्रेस नीचे से जली हुई है लेकिन आपको रेशमी कपड़ा प्रेस करना है तो क्या करेंगे, आप लेंगे फॉइल पेपर। देखिए, फॉइल पेपर हम सब लोग यूज करते हैं, मैं जो चपाती वाला फॉइल पेपर होता है और अगर वो साफ होता है तो मैं उसको रख लेती हूँ, वही फॉइल पेपर मैं अपनी प्रेस के ऊपर, जब भी मुझे सिल्क का कोई कपड़ा प्रेस करना होता है वही फॉइल पेपर मैं अपनी प्रेस के ऊपर यूज करती हूँ। तो कैसे करना है, आपने एक फॉइल पेपर लेना है और उसको आपने अपनी प्रेस के ऊपर अच्छे से चिपका देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेस जब आप गर्म करेंगे तो ये फॉइल पेपर साथ में गर्म होगा और जब इसके साथ में आप अपने रेशमी या सिल्की कपड़ों को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल भी वो आपके कपड़े को जलाएगा नहीं। बस ध्यान दीजिएगा, एकदम से हाई फ्लेम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप तुरंत कपड़े के ऊपर रखेंगे तो कपड़े को पकड़ लेती है गैस। लेकिन फॉइल पेपर से आपकी ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा कि वो कपड़ा उसको पकड़ेगा नहीं प्रेस को। लेकिन ध्यान से सावधानी से कभी भी कपड़े को प्रेस करना, और ये देखिए कितने आसानी के साथ में मेरा रेशमी सूट
आराम से मैं प्रेस कर पा रही हूँ। आई होप ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर, इसी तरह के और टिप्स देखने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कभी भी जब भी हम अपने घर में बर्फ लाते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम पर हम अक्सर बर्फ बाहर से लेके आते हैं, कई बार फ्रिज खराब होता है तो बाहर से हम बर्फ खरीद के लाते हैं, या हमें बर्फ लेके कहीं जाना है, अपने साथ में कैरी करना है, तो बर्फ तो क्या है, जिस भी बर्तन में रहेगी वो पानी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये अक्सर लोगों के साथ होता होगा। मुझे बताइएगा कि आप भी बर्फ इस तरह से कैरी करना चाहते हैं, और आपके पास आइस बॉक्स अगर नहीं है तो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे और आपकी बर्फ भी जल्दी नहीं पिघलेगी। तो करना क्या है, हमने जिस तरह से ये बॉक्स है, हमने इस बॉक्स में अपनी बर्फ को हमने कैरी नहीं करना है, यानी कि साथ में नहीं लेके जाना। हम लेंगे एक फॉयल पेपर, ठीक है। फॉयल पेपर क्या होता है, जो भी हीट होती है या फिर अगर कुछ कूलिंग वाली चीज हम इसमें डालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो एज इट इज उसको पकड़ लेता है, मतलब उस टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता, चाहे आप इस बर्फ को कहीं पर भी कितनी देर के लिए भी लेके जा रहे हैं। अगर आप फॉयल पेपर में बर्फ को पैक करके लेके जाएंगे, मैं तो अभी छोटी सी बर्फ ये दिखा रही हूँ, काफी लोग बड़ी बड़ी बर्फ लेके जाते हैं, तो आप फॉयल पेपर बड़ा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से आपने इसको लॉक कर देना है ताकि इसकी जो ठंडाई है वो बाहर ना निकले, टेम्परेचर बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी बर्फ एज इट इज रह जाएगी और आप इसको काफी देर बाद भी यूज करना चाहेंगे तो वो यूज हो जाएगी। आशा करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखा किस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको करने से आपके बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी खूब सारे बचेंगे और कुछ वक्त आपको अपने लिए भी मिलेगा जिसको कि आप अपनी स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि मेरा मेन चैनल है। तो अगर आप अपनी स्किन केयर को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो मेन चैनल पे चले जाओ जहां पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स देती हूँ, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आप अपने घर के कामों को जल्दी निपटा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। तो बने रहिएगा इसी चैनल के ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। अगर टिप्स आपको पसंद आते हैं शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।